नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। अम्बेडकर नगर में स्वास्थ्य विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। आउटसोर्सिंग के तहत तैनात कर्मचारियों से 2 से 2.5 लाख रुपए वसूली का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने 2 से 2.5 लाख रुपए लेकर नियुक्ति किया था, लेकिन 11 माह बाद निकाल दिया गया और अब पुनः 1.5 लाख रुपए की मांग हो रही है। सरकार जहां युवाओं को रोजगार देने का प्रयास कर रही है, वही विभाग के अधिकारी सरकार को बदनाम करने पर तुले हैं। पैसा लेने का आरोप विभाग के एक बाबू पर लगा है, लेकिन दबंग बाबू के आगे सिस्टम नतमस्तक है। आलम यह है कि ट्रांसफर होने के बाद भी उक्त बाबू का CMO कार्यालय पर कब्जा है। यह मामला L2 अस्पताल MCH विंग टांडा का है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 साल पहले कोविड में ड्यूटी करने के लिए कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग के तहत नियुक्ति हुई थी, लेकिन 11 माह बाद यह कहकर उन्हें बाहर कर दिया गया कि सरकार ने आपकी सेवा समाप्त कर दी है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का यह कारनामा सवालों के घेरे में है, क्योंकि एक तरफ कर्मचारियों को निकाला जा रहा है और दूसरी तरफ कर्मचारियों की नियुक्ति भी हो रही है। ड्यूटी से हटाए गए कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि नियुक्ति के समय CMO ऑफिस में तैनात बाबू शरद श्रीवास्तव ने किसी से 2 लाख तो किसी से 2.5 लाख रुपया कहकर लिया था कि सिक्योरिटी धनराशि से अभी आउटसोर्सिंग पर नियुक्ति हो रही है, बाद में NHM में ट्रांसफर हो जाएगा और यदि कोई हटाया जाता है तो उसको पैसा वापस कर दिया जाएगा, लेकिन नवीनीकरण के नाम पर अब हम लोगों से 1.5 लाख रुपये मांगा जा रहा है, न देने पर निकाल दिया जा रहा है। हम लोगों ने इसकी शिकायत CMO, CDO और DM से भी किया है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इस प्रकरण में कोई भी अधिकारी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। मेरा नाम रेणु वर्मा है और हम लोग जब आए थे तो 2-2 लाख रुपए देख के आए थे। उस समय हम लोग का रिन्यूअल करने के लिए कहा गया था और NHM से जोड़ने के लिए कहा गया था, इसलिए हम लोगों ने किया था। जब हम लोग का 1 साल पूरा हो गया, अब हम लोग को निकाला जा रहा है, कहा जा रहा है अगर आप लोग फिर से पैसा देंगे तब रिन्यूअल होगा, नहीं तो नहीं, 1.5 लाख फिर से मांग रहे। तो पैसा आपने किसको दिया था? उस समय शरद बाबू जी को दिया गया था। अब क्या कहते हैं? अब वो कुछ नहीं कहते, फोन ही नहीं उठाते हैं और उनका यहाँ से कह रहे थे हमारा ट्रांसफर हो गया, लेकिन डेली यहाँ पे CMO ऑफिस में वो आते जाते रहते हैं। वहीं पे हो रहा है, सब लोग कह रहे हैं शरद बाबू ही, मतलब वो खुद से नहीं मांगते हैं लेकिन कहलवाते हैं कि ऐसे है। नाम मेरे मसालती देवी है। हमने 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए शरद बाबू को दिए थे और वो बोले थे सिक्योरिटी के नाम पे जमा हो रहा, अगर आपका रिन्यूअल नहीं होगा या परमानेंट नहीं होगा तो आपको ये पैसा जब भी आप यहाँ से निकाले जाएंगे वापस हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं हो रहा ना। हम लोग को बिना कोई सूचना के एकाएक बता दिया गया कि आप लोग का यहाँ से कार्य समाप्त हो गया है। स्टाफ नर्स पद पे जी, मैं अभिषेक सिंह यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के पद पे था। मैं और शरद वर्मा दो लोग की नियुक्ति थी यहाँ पे। मैं गोयर कंपनी से हूँ। 1.5 लाख रुपए मुझे लिया गया मुझसे। इसके बाद वो लोग बोले थे कि अगर आप यहाँ से हटाए जाते हैं तो ये पैसे आपको वापस हो जाएगा, लेकिन ये लोग के पास दोबारा फ़ोन करने पे लोग फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। सिर्फ 5 महीने हमें ड्यूटी कराया गया है जिसमें सिर्फ हम 1 लाख रुपये पाए हैं अभी तक, और हमारे 50,000 वो भी चले गए। अब दोबारा रिन्यूअल का कोई वो नहीं हो रहा है, तो बोल रहे हैं फिर से 1.5 लाख रुपये लगेंगे तब जाकर तुम्हें NHM से भर्ती किया जाएगा। जी पैसा तो हमने जैसे इनडायरेक्ट तरीके से लिए थे, वो डायरेक्ट हाथ हैंड टू हैंड नहीं लिए थे, हमने दूसरों के हाथों दिया था। जमीनी विवाद में मड़ई को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा है। ये मामला आजमगढ़ के अंतर्गत थाना फूलपुर के ग्राम गोबराहा का है, जहां बीते शुक्रवार को पुराने जमीनी विवाद में मड़ई को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई। मामला बिगड़ने पर पीड़ित के दबंग पड़ोसियों ने पीड़ित ओम प्रकाश को मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित का कहना है कि दबंगों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपका ओम प्रकाश
ओम प्रकाश जी। ग्राम कौन सा पड़ेगा? गोबरहा। थाना कौन सा है? फूलपुर। अच्छा क्या मामला है कि आप इतनी गंभीर रूप से घायल हो, जिला अस्पताल में आना पड़ा? सब जमीनी विवाद है, चारों तरफ से नाला है, नाले में नाले के बीच में मेरा घर पड़ता है। अच्छा, मेरा पड़ोसी जो है मड़ई डाल लेता है, उसी का विवाद है। क्या नाम है पड़ोसी का? पड़ोसी का नाम है राम रूप। अच्छा, हरी महाजन, पिंटू, अरविंद, दरोगा, रवि। तो हमेशा आपके साथ इसी तरह दमगई होती है? हाँ हाँ। तो कब की घटना है जो आप इतनी गंभीर से घायल हैं, कब की घटना है? ये शुक्रवार की घटना है। तो क्या आप इस मामले को लेकर प्रशासन में तारीख आपने प्रशासन को सूचित किया? जी। तो क्या प्रशासन तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? प्रशासन से बस मड़ई को जब दरखास्त दिया, मड़ई रुक गई, लेकिन मुझे थाने में बिठा लिए और कहे कि मड़ई नहीं उठी, कि वह घर वहाँ थाने से मुझे छोड़े, देखा मड़ई उठी थी। तो क्या मांग है प्रशासन की तरफ से, क्या मांग है आपकी? बस मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। भराइच राजकीय हाई स्कूल टेंडवा सिस्टीपुर भराइच में 18 दिसंबर 2021 को विद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं के अभिभावकों एवं अन्य गणमान्य सदस्यों की एक अत्यावश्यक बैठक बुलाई गई, जिसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक वच्छराज ने आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए बताया कि जनवरी 2022 तक 18 वर्ष पूर्ण कर रहे सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग सबसे पहले सभी कामों को छोड़कर मतदान करें। अध्यापक अभिभावक में समन्वय स्थापित करने के लिए विद्यालय के विकास एवं दूरदराज से पढ़ने आने वाले छात्र छात्राओं की शिक्षा सुगम हो, इस पर भी चर्चा की गई। अभिभावकों के द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए राजकीय हाई स्कूल टेंडवा सिस्टीपुर बहराइच को उच्चीकृत कर आगामी शिक्षा सत्र 2022-23 से कक्षा संचालन के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए चर्चा भी की गई। आजमगढ़ से खबर है जहां ग्राम प्रधान और उसके भाई पर पत्रकार के घर पर जाकर मारपीट के इरादे से वीडियो बनाने का एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है। बता दें कि प्रधान के भाई का चालान किया गया था। जमानत पर छूटने के बाद आज सुबह ग्राम प्रधान सुनील मौर्य और उसके भाई नीलू मौर्य पत्रकार के घर पर जाकर आकर जबरदस्ती वीडियो बना रहे थे। उनका इरादा था मारपीट करने का। वीडियो आपके सामने है और ऐसे में पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। मामला ग्राम सभा क्वार्टर अजमतपुर आजमगढ़ में आजमगढ़ का है, जहां शांति बनी रहे से कई बार उस जमीन की पैमाइश भी हो चुकी है। तहसीलदार खुद वहां जाकर पैमाइश की है, कहा सब कुछ ठीक है, फिर भी पत्रकार को भूमाफिया कहा जा रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकारें जहां दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में लाने के लिए कई योजना संचालित करने के साथ साथ सामाजिक एवं विविधिक सहायता की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं कहीं न कहीं सरकारों की यह मंशा जमीन पर पहुंचने पर पक्षपात से ग्रसित होने के आरोप से घिरा नजर आता है। मामला जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के भीमाकोल गांव का है, जहां दिव्यांग भगवान दीन व उसका परिवार गांव के ही उमाकांत और उनके परिवार पर बेनामी की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। दिव्यांग उसके परिवार का कहना है कि गांव के दबंग उमाकांत तो उनका परिवार और उसकी बैनामाशुदा आबादी की जमीन चहारदीवारी बनवाकर कब्जा कर रहे हैं। इसकी शिकायत के साथ निस्तारण प्रार्थना पत्र में थाने के उपजिलाधिकारी सगड़ी सहित आयुक्त आजमगढ़ को भी दिया गया, परंतु कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हुई और दबंग परिवार रात के 2 बजे चहारदीवारी लगाकर कब्जा कर लिया। जबकि उमाकांत का कहना है कि उक्त भूभाग पर भगवानी दीन का बैनामा ही गलत है और उक्त जमीन उसकी है। अब देखना यह है कि न्याय व्यवस्था दिव्यांग की आरोपों का किस तरह से निवारण कर न्याय की परिकल्पना को सरकार कराता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भगवान दिन विश्वकर्मा है। कहाँ घर पड़ेगा आपका? हमारा घर भीमाकोल पांडेपुरा में है। थाना कौन सा लगेगा आपका? थाना महाराजगंज। क्या मैटर है आपका? हमारा जमीन सब जबरदस्ती हड़पा जा रहा है, हमारी रजिस्ट्री जो है बैनामा रजिस्ट्री हमारी है, फोटोदार रजिस्ट्री सर 88 की, हमारा जो है ये सब फर्जी बना करके हमारा सब कब्जा कर रहे हैं। कौन कब्जा कर रहा है आपका? ये उमाकांत रमाकांत श्याम राज पांडे लड़के हैं सब, उमाकांत हैं, रमाकांत श्याम और क्या नाम है सूर्य प्रकाश चंद्र प्रकाश, चार लोग हैं इनके लड़के। इसकी शिकायत आपने कही की? हाँ सर। कहाँ की? ये SDM के यहाँ, DM के यहाँ और जो है SP के यहाँ थाना पर। तो क्या सुनवाई हुई? कुछ सुनवाई अभी तक कुछ नहीं हुआ सर, हम बहुत परेशान हैं सर। थाने पे गए थे तो क्या हुआ?
कुछ नहीं सर, भगा दिया हमको, डांट करके कहा उनकी जमीन है, उनकी इतनी दिन से कब्जा है उनका। कौन डांट के भगा दिया आपको? बड़े साहब, कोतवाल साहब। कोतवाल साहब ने आपको डांट के भगा दिया? जी। तो आपने अपना कागज दिखाया उनको? सर हम अपना एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ कागज उनको दिखाया, हमारा कागज दे करके फेंक दिया सर। क्या नाम है आपका? चंद्रकला। कहाँ घर पड़ेगा आपका? भीमाकोर। थाना कहाँ पड़ेगा? महाराज। तहसील? बुढ़नपुर। क्या मामला है? ये हमारे सर, हमारे बैनामी की जमीन है और ये लोग जबरदस्ती हमारा कब्जा कर रहे हैं 18 तारीख को रात को 2 बजे, 2:30 बजे से। कौन कब्जा कर रहा है? ये उमाकांत पांडे, उनका शरीर बताओ, उनका सब परिवार है, हमको पता नहीं ज्यादा करके। कब से ये मकान जुड़वा रहे हैं? बस ये 18 तारीख को पूरा फाइनल कर लिए, 1 महीने पहले से काम चालू है इनका। हम बार बार रोक रहे हैं, थाना पुलिस आ रही है, हमारी कुछ सुन नहीं रही है। और इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की थी? हमने थाने पे किए थे, बुढ़नपुर तहसील पे और यहाँ आजमगढ़। तो क्या कोई सुनवाई नहीं हो पाई? हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। थाना अध्यक्ष ने क्या कहा आपसे? थाना अध्यक्ष ने यह कहा कि उनका उनका मौके का जमीन है और वो जो लेकर सब उनका ही है। क्या नाम है चाचा आपका? मकान पांडे। कहाँ घर पड़ेगा आपका? भीमाकोल। थाना आपका कौन सा लगेगा? महाराजगंज। क्या मैटर है आपका? सर हमारी जमीन आबादी की है ये, 1966 में पिताजी ने हमारे इसको दिया था, कब्जा बनामन दिया था। आवाज इस पर जो है, मतलब इतने दिन बाद जो है एक रजिस्ट्री दिखा करके 88 की, पता नहीं कैसे। कौन दिखा रहा है? भगवान दीन, भगवान दीन दीनानाथ है, मतलब दीनानाथ की औरत है जो मतलब आग परेशान कर रही है। कहाँ की है ये? भीमाकोल की। भीमाकोल की है। तो क्या हुआ? तो परेशान कर रहे थे साहब, चाहदारी हमारी पुरानी वहाँ बनी हुई है, हम उसको बनवा रहे थे, रोक रही थी इसके बाद हमने जो SDM से ऑर्डर करवा के इसको साहब अनुमति लेकर बनवा दिया अपना। SDM साहब से कब आपने अनुमति लिया था? 12 को। 12 को था। तो फिर थाने पे ये तहरीर आपने कब दी? 13-14 में। 13-14 को। 13 को। तो फिर थाने से आपको क्या आश्वासन मिला? अच्छा, आश्वासन मिला कि आपकी है, मतलब आप बनवाइए। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने अपनी जनसुनवाई के दौरान कुल 96 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बता दें कि आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ द्वारा जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में कुल 96 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल निष्पक्ष व न्यायोचित जाँच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। आजमगढ़ में नगर के अंबेडकर पार्क में खादी ग्राम उद्योग की 10 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जिलाधिकारी राजेश कुमार ने किया। खादी प्रदर्शनी में विभिन्न स्टालों का जिलाधिकारी राजेश कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने खादी ग्राम उद्योग द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट की सराहना की। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी में अलग अलग प्रांतों से आए लोगों द्वारा अपने सामानों के साथ स्टॉल लगाया गया है, जिसमें अचार से लगाए कंबल, नमकीन, रजाई, गद्दे, फर्नीचर के साथ ही खादी ग्राम उद्योग की ओर से लगाई गई कपड़े के स्टॉल पर लोगों की काफ़ी भीड़ जुट रही है। इस दौरान जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि प्रदर्शन की मुख्य उद्देश्य है कि जो छोटे छोटे हैंडलूम हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना है, जिससे कि वे अपने सामानों को लगाएं और उसके सामानों को बढ़ावा और प्रोत्साहन मिल सके। लगाई गई है कलेक्ट्रेट के पास में अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में। मेन उद्देश्य यही है कि जो हैंडलूम्स हैं, जो लोग अपना कुछ छोटे छोटे कारोबार करके बनाते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देना, जिससे कि वो लोग आएँ और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित कर सकें, उनके प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहन मिले और बढ़ावा भी मिले। तो इसी तरह जगह जगह जनपदों में लगती है। तो आजमगढ़ में ये अगले 5 दिन का रखा है, अगले 10 दिन का यहाँ पे मेला है, जिसमें यहाँ के लोगों को भी, जनपद के वासियों को भी लाभ है कि अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जगहों के प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं। और साथ में हमारे खासतौर से बुनकर और खादी ग्रामोद्योग विभाग से जुड़े हुए कार्य जुड़े हुए जो बुनकर हैं या बाकी लोग हैं, कामगार लोग हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक जिससे कि उनके प्रोडक्ट को प्रदर्शनी हो सके और उनको एक मार्केट मिले, जिससे कि अपने प्रोडक्ट को बेच भी सके और आगे के लिए प्रोत्साहन मिले। एक अच्छा प्रयास है विभाग द्वारा, इसको यहाँ जनपद आजमगढ़ में किया।
भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक मूल्य गिरने का उदाहरण आजकल अक्सर देखने और सुनने को मिल रहा है। शायद आजकल राजनीतिक शख्सियत इस बात से बढ़ती है कि कौन कितना और किस स्तर तक भारतीय सामाजिक ताने बाने को आहत करते हुए किसी समाज विशेष को अपमानित करता है। बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मणों को विगत दिनों अपने भाषण के दौरान अपशब्द बोलने से जुड़ा है। जीतन राम मांझी ने अपने भाषण में सनातन धर्म पर बोलते हुए ब्राह्मणों के पूजा पाठ की पद्धति पर तो सवाल खड़ा किया ही, साथ में उन्होंने ब्राह्मणों के लिए अपशब्द का भी प्रयोग किया, जिससे आहत होकर ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधिमंडल स्थानीय थाना महाराजगंज में एकजुट होकर आशुतोष मिश्र के नेतृत्व में कानूनी कार्रवाई हित प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तहरीर दी। इसका संज्ञान राज्यपाल को भी देने की बात कही। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्र, मंडल उपाध्यक्ष भूपेश मिश्र सहित ब्राह्मण समाज और भाजपा के कई ब्राह्मण नेता मौजूद रहे और उनके अपशब्द पर जुक्ता जताते हुए कार्रवाई की मांग की। आशुतोष जी, आपने एक FIR महाराजगंज थाने में इलाज कराने के लिए आप लोग आए हैं, क्या प्रकरण है सर इसके बारे में? प्रकरण यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने सार्वजनिक मंच पर जनसभा में अपने भाषण में साफ कहा कि ये सत्यनारायण बाबा की कथा तो हम लोग कभी सुने ही नहीं थे, नाम भी नहीं सुने थे, लेकिन हर टोले में साला सत्यनारायण बाबा की कथा हो रही है। सनातन धर्म पर उन्होंने अटैक किया, चलिए इतना किया इतना किया, इससे जो बात जो ज़्यादा विभत्स उन्होंने किया है ब्राह्मण समाज के ऊपर, उस ऑडियो में उन्होंने कहा है उस भाषण में कि ये ब्राह्मण हरामी, सब सुनिएगा, ब्राह्मण हरामी आते हैं और कहते हैं कि हम खाएंगे नहीं, हमको नगद पैसा दे दीजिए। ब्राह्मणों को हरामी कहना ये कहाँ का मतलब मानसिक दिवालियापन है, खोखलापन है, क्या कहा जाए उनकी बुद्धि को? आशुतोष जी, मैं आजकल देख रहा हूँ राजनीति का स्तर बयानबाजियों पर जाके टिक जा रहा है, और ऐसे में जो है कोई किसी समाज को गाली देने में अपनी बाहुबली समझ रहा है, कोई किसी में। इस पे आप लोग इस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी हो, उत्तर प्रदेश में है, देश में आपकी अपने पार्टी की सरकार है, इस पे कोई एक इस टाइप की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती, कम से कम नैतिक मूल्य तो ना गिरे राजनीति का? अब ये बातें जो आप पूछ रहे हैं ये तो ऊपर के स्तर के लोगों की, अब वो लोग क्या सोच रहे हैं वो लोग भी अपने दिमाग में सोचे होंगे। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सबको नहीं, सबसे ज्यादा अगर किसी पर हमला होता है पूरे देश में तो ब्राह्मण जाति पर होता है। अभी पिछले दोनों याद होगा कि असम के मुख्यमंत्री के बाप आए थे और लखनऊ में, और उन्होंने ब्राह्मणों को गाली दिया और कहा कि ब्राह्मणों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, बहुत सारी बातें उन्होंने कहा। तो और ये जीतन राम मांझी ने कहा कि ब्राह्मण हरामी आते हैं और कहते हैं नगद पैसा दे दीजिए, खाना नहीं हम खाएंगे नहीं, नगद पैसा दे दीजिए। तो जब जो भी उभरता है सीधे सीधे ब्राह्मण पर ही अटैक करता है, तो हम लोग जिस स्तर के कार्यकर्ता हैं अपना विरोध उसी स्तर पर दर्ज न कराएंगे। हम थाने में आए हैं उनके ऊपर FIR कराने के लिए, हमने थाने से आपको क्या आश्वासन मिला, क्या कार्रवाई? शासन ने थाना अध्यक्ष के जो चार्ज में इस समय श्री सौरभ सिंह जी हैं, उन्होंने कहा है कि हम ऊपर बात करके SP के यहाँ से, और हम जिस समुचित धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे और ऊपर से और कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या आप लोगों के साथ ब्राह्मण संगठन भी इसका इसमें आपका समर्थन कर रहे हैं? ये सारे ब्राह्मण संगठन ही तो हैं, ये हमारे हरिवंश जी हैं जिला के उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये हमारे अखिलेश जी हैं महाराजन मंडल के महामंत्री हैं, अश्विनी जी हमारे गोपालपुर विधानसभा के, अश्विनी मिश्रा जी सोशल मीडिया के प्रमुख हैं, और भूपेश जी हमारे मंडल के उपाध्यक्ष हैं और नामी सभासद भी हैं, ये अनुराग पांडे जी हैं महाराज मंडल के मंत्री हैं, संतोष मिश्रा जी हैं मंडल के उपाध्यक्ष हैं, ऐसे सब ब्राह्मण के लोग, ब्राह्मण लोग तमाम आक्रोशित हैं, इसे पूरे देश का ब्राह्मण आक्रोशित है, हम अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं, हमको सरेआम हरामी कहा जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है? अब कोई कुछ बोल नहीं रहा? नहीं तो प्रदेश में आपकी सरकार है, FIR दर्ज करने के लिए आपने दिया है तो कार्रवाई भी करवाइए। हाँ, हम अपनी ओर से कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, अब हरिवंश जी से हमारी बातचीत हुई है, इन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया जाएगा, उसका समय तय किया जाएगा, जिले भर से ब्राह्मणों के वहाँ इकट्ठा होंगे, उसका समय तय कर दिया जाएगा और DM के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा।
आजमगढ़ में दीवानी बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह दीवानी कचहरी में संपन्न हुआ। इसके साथ ही पदाधिकारियों का परिचय अन्य अधिवक्ताओं से कराया गया। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वांचल विकास बोर्ड के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह मौजूद रहे। बीते शनिवार को हुई मतगणना में दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव में दयाराम यादव अध्यक्ष और राजेश कुमार सिंह पाराशर मंत्री चुने गए थे। मंगलवार को दीवानी न्यायालय परिसर में शपथ ग्रहण का आयोजन कर नवनिर्वाचित अध्यक्ष मंत्री व अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। बताते चलें कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष दयाराम यादव दूसरी बार दीवानी बार के अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे पहले ये 6 वर्ष पूर्व अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। शपथ ग्रहण के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष दयाराम यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं दयाराम यादव दीवानी अभ्यासक संघ का इसके पहले भी सन 2014-15 में अध्यक्ष रह चुका हूँ। मेरे अधिवक्ता भाइयों ने मेरे ऊपर दोबारा विश्वास जताया है और मैं दोबारा इस बार का अध्यक्ष चुना गया हूँ। मेरे अधिवक्ता भाइयों के लिए जो भी परेशानी होगी, जो भी समस्या होगी, मैं उसका निराकरण करूँगा और इस कचहरी को सुचारू और नियमित रूप से चलाने का प्रयास करूँगा कि ताकि हमारे किसी भाई को कोई समस्या न पैदा हो और हमारे हर अधिवक्ता भाई एक विद्वान अधिवक्ता के रूप में आजमगढ़ ही नहीं पूरे देश और प्रदेश में अपना नाम रोशन करें। मेरी यह सोच है कि हमारे यहाँ जो भी प्रैक्टिस करने हमारे जूनियर अधिवक्ता भाई आए हैं वह इतनी लगन से विधि व्यवसाय करें, इतने अच्छे ढंग से अध्ययन करें कि वह आजमगढ़ दीवानी कचहरी के वकील ना रहें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जा करके इस दीवानी कचहरी आजमगढ़ का नाम रोशन करें। जैसा कि आपने बताया कि आप पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं और आपके हम गंभीरता से लेते हैं और उस बार भी हम अपनी कार्यकारिणी से राय बात ले करके सारे लोगों का विचार विमर्श करके और कार्यकारिणी के अलावा मैं एक कोर कमेटी भी बनाता था और सारे लोगों की बैठक करके सारे लोगों की राय ले करके उस समस्या का हल करता था और अधिवक्ता भाइयों की मदद करता था। सर सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह पारासर है। मैं दीवानी बार एसोसिएशन आजमगढ़ का महामंत्री चुना गया हूँ। मैं ये आप महामंत्री चुने गए हैं और नई जिम्मेदारियाँ आपको मिली है, नई चुनौतियों के साथ क्या कहना चाहेंगे? नई चुनौतियाँ, हम बार और बेंच का पहली बात तो ये चाहेंगे कि सामंजस्य बना रहे, हमारे किसी अधिवक्ता को किसी अधिकारी से कोई किसी तरह के प्रताड़ना ना हो और हमारे जो अधिवक्ता भाई हैं उनको जो समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। शौचालय का प्रमुख हमारे हाईकोर्ट से पैसा आया है, शौचालय बना हुआ है लेकिन सारे शौचालय बंद पड़े हैं। अधिवक्ताओं को इसके लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, अधिकारी भी परेशान होते हैं, चार चार शौचालय बन के और बन चुका है, उसमें ताला लगा हुआ है। जिला जज महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि उसको खुलवा दें तत्काल और हमारे अधिकारी और वकील उसका उपयोग करें, इससे बाहर गंदगी होती है, समस्या होती है। ये मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी और अधिवक्ताओं का जो भी समस्या होगी, किसी प्रकार की समस्या होगी, उसका निराकरण करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अमौड़ा गोसाई की बाजार आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ में पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र अखिलेश कुमार द्वारा थाना रानी किसराय जनपद आजमगढ़ का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम डीआईजी द्वारा सलामी गार्ड में लगे पुलिसकर्मियों का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात थाना परिसर का भ्रमण कर परिसर की साफ सफाई, लवारिस वाहनों व मालों का निस्तारण करने व साफ सफाई को उच्च कोटि का बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया। थाना कार्यालय का गहनतापूर्वक निरीक्षण करते हुए रजिस्टरों रिकॉर्डों को अद्यविक करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही साथ मालखाना बंदीगृह भोजनालय आरक्षी आवास बैरकों निर्माणाधीन बैरक की गुणवत्ता का निरीक्षण कर CCTNS कक्ष का निरीक्षण किया गया। महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण करते हुए हेल्प डेस्क पर तैनात महिला आरक्षी को प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के नियमित रूप से फीडबैक लेने हेतु निर्देशित किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य, चित्राधिकारी सदर अभिजीत आर शंकर, चित्राधिकारी नगर सिद्धार्थ तोमर, थाना प्रभारी रानी किसराय व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। जैसे जैसे
विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे हर पार्टी के नेता अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर जनसंपर्क साथ अपनी अपनी पार्टी को जिताने की लोगों से अपील कर रहे हैं। इसी के तहत आजमगढ़ पूर्व मंत्री व गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक नफीस अहमद अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इसके दौरान पटवत कौतुक जाकर सम्मानित जनता से मुलाकात कर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता से अवगत कराया। इस दौरान सबने मिलकर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लिया। आजमगढ़ के अथरौलिया में भजन कीर्तन संघ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बता दें कि बीती शाम नगर पंचायत के वरण चौक पर दुर्गा पूजा के उपरांत होने वाले एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यह आयोजन मेला समिति के लोगों द्वारा किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पहुँच कर लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात भजन कीर्तन का भी आनंद उठाया। भजन कीर्तन तथा भंडारे का आयोजन देर रात तक चलता रहा, जिसमें क्षेत्र के सभी लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। वहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी पहुंचकर भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। बता दें कि शरद पूर्णिमा को लगने वाले मेले के उपरांत एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसके क्रम में बीती शाम वरण चौक पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। देर रात तक भंडारे में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करने वालों का तांता लगा रहा, जिसमें बच्चे बूढ़े नौजवान तथा महिलाएं भी सम्मिलित होकर माँ दुर्गा का प्रसाद ग्रहण किए। तो वहीं देर रात तक भजन मंडली भी भक्तिमय वातावरण में चलती रही। नगर पंचायत की सभी मूर्ति समितियां इस तरह के भंडारे का आयोजन कराती है, जिसमें हजारों की संख्या में पहुंचकर लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस मौके पर मूर्ति समिति के अलावा भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। और भाजपा की जन विश्वास यात्रा आजमगढ़ के मुबारकपुर पहुंची, जहां भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि मऊ से होते हुए 21 दिसंबर को मुबारकपुर विधानसभा के गुजरपार मंडल के खैराबाद में 4:30 बजे यात्रा पहुंची थी। जैसे ही यात्रा वहां पहुंची, मुबारकपुर विधानसभा के नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद यात्रा मुबारकपुर रोडवेज पहुंची। मुबारकपुर रोडवेज से सठियाव, चौरा, चकरपानपुर, सिंहपुर, खरियानी में नगर होते हुए लालगंज विधानसभा के लिए प्रस्थान की गई। कपड़ों, हौजरी, 8 फुटवियर पर GST 5% स्लैब से हटाकर 12% स्लैब ले जाने के निर्णय को वापस लेने के संबंध में सपा व्यापार सभा लोक महत्व के इस अविलंबनीय सवाल की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए GST काउंसलिंग द्वारा अपने मूल सिद्धांत से हटकर आम आदमी को रोजमर्रा की वस्तुओं, कपड़ा, हौजरी और फुटवियर को 5% के स्लैब से हटाकर 12% के स्लैब में करने का निर्णय लिया है। यह अन्यायपूर्ण है। होजरी का धागा 5% की स्लैब में और इसका कपड़ा होजरी उत्पाद 12% की स्लैब में रखे जाने पर न केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा बल्कि अपवचन को भी प्रेरित करेगा। रोजगार परम उद्योग है। 12% स्लैब करने पर व्यापारियों को मंदी का सामना करना पड़ेगा और इससे संबंधित लोगों की क्रय शक्ति की शक्ति भी कमजोर होगी। आज आजमगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्वच्छाग्रही कर्मचारी संघ ने कलेक्ट्रेट भवन के बाहर प्रशासन से नाराजगी जताते हुए अपनी मांगों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी को पत्र लिखा। और साथ ही सूरज मिश्रा स्वच्छाग्रही कर्मचारी का कहना है कि उनके संघ के 1800 कर्मचारी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन में अति सराहनीय कार्य करने के बावजूद भी उनके मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है और उनके हक काम दूसरे विभागों को हर काम दूसरे विभागों को दिया जा रहा है। इस बात से संघ नाराज होकर कहा कि अगर उनकी समस्याओं का हल नहीं किया गया तो संघ विधानसभा का घिराव और आंदोलन करेगा। देखिए, मेरा नाम सूरज मिश्रा है और ये हमारे जो पीछे खड़े समाज स्वच्छाग्रही साथी खड़े हैं। ये विगत जब से केंद्र में भारत सरकार आई है, राज्य सरकार आई है, तब से हम लोग स्वच्छ भारत मिशन का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि जितना मेहनत स्वच्छाग्रहियों ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए किया उतना आज तक पूरे इतिहास में किसी ने नहीं किया और यह सुनहरे पन्नों से लिखा जाएगा अक्षरों में, पन्नों में। लेकिन विगत वर्षों से ना कोई हमें काम दे रहे हैं लोग, ना ही हम लोग को मानदेय दे रहे हैं। जो मानदेय हम लोग को बकाया है वो भी भुगतान नहीं किए हैं। ये 22 ब्लाक हम लोगों के पास है, 1800 स्वच्छाग्रही हम लोग वहाँ साथ में खड़े हैं इस समय। और मैं मीडिया के माध्यम से बता चाहता हूँ कि हम लोग कोरोना काल से हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हम लोगों के पास कोई काम ये लोग नहीं दे रहे हैं। जो काम है वह सफाई कर्मी, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, आशा से ये लोग हम लोगों का हक मार रहे हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो कार्य है पुनः हम लोगों को काम ये शासन से, प्रदेश से जो सरकारी समय है, मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के बिना प्रार्थना करना चाहता हूँ
कि हम लोगों को काम दे और काम के बदले हम लोगों को एक निर्धारित मानदेय दे। आज के डेट में एक जो है इस समय एक जो कामगार है उसका जो है 400 रुपये एक दिन का है। क्या हम लोग कामगार से भी बदतर हम लोग की जिंदगी स्वच्छाग्रहियों की है? जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इलाहाबाद में जब कुंभ का मेला था तो हम लोगों का पैर धुले थे, क्या उससे भी बदतर हम लोग की स्थिति हो गई है कि हम लोग का मानदेय भी नहीं दे रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, क्या चाहते हैं हम लोग को अगर मानदेय निर्धारित नहीं किए तो हम लोग आंदोलन करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ जो इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि हमारी जो बहन शशिकला है जो अपनी बात कहने विधानसभा के पास तमाम स्वच्छाग्रहियों के साथ जो शांतिपूर्ण ढंग तरीके से वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही थी उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, लाठीचार्ज किया गया और कोई अधिकारी जिले का देखने तक नहीं आया। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ कि हम लोग सरकार के माध्यम से इतना ही रखना चाहते हैं कि समय से हम लोगों को काम मिले, मानदेय मिले, ताकि इस महंगाई के दौर में अपने परिवार का पालन पोषण समस्त स्वच्छाग्रही कर सके। भदोही से खबर है जहां थाना गोपीगंज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में ग्राम प्रहरी यानी ग्राम चौकीदार के सम्मान में बढ़ते शीतलहर के प्रकोप से उन्हें राहत देने हेतु पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा थाना गोपीगंज क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में कार्यरत कुल 151 ग्राम चौकीदारों को साफा व कंबल वितरण किया। बढ़ती ठंड के मौसम कंबल पाकर ग्राम चौकीदारों द्वारा पुलिस भदोही को धन्यवाद दिया गया। साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि चौकीदार हमारे पुलिस विभाग की सबसे प्रथम कड़ी है। पुलिस विभाग से ग्राम प्रहरियों को जोड़ने और प्रोत्साहन हेतु संवाद स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया ताकि भविष्य में ग्रामीण क्षेत्र में घटित कोई भी छोटी से छोटी घटना की सूचना ग्राम प्रहरियों के माध्यम से जनपदीय पुलिस को तत्काल प्राप्त हो सके। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अमौड़ा गोसाई की बाजार आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। लखनऊ से खबर है जहां विनय वर्मा स्वर्णकार की तरफ से चलाई जा रही पूरे उत्तर प्रदेश के स्वर्णकार साथियों को एक करने की मुहिम को अनवरत स्वर्णकार साथियों का सहयोग और समर्थन मिल रहा है और इसी क्रम में कल विनय वर्मा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों को लेकर सीतामढ़ी क्षेत्र में आयोजित स्वर्णकार समाज राजनीतिक एकता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां पूर्वांचल के वाराणसी, भदोही, चंदौली, बलियामऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर और भी अन्य जगहों के स्वर्णकार साथी बड़ी संख्या में उपस्थित थे और सबने विनय की अगुवाई में स्वर्णकारों की भूमिका राजनीति में बढ़े इस पर चर्चा की। लखनऊ से सीतामढ़ी के रास्ते में अलग अलग जगहों पर स्वर्णकार साथी सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर अपने अगुवा विनय वर्मा का स्वागत भी किया। और ये खबर मऊ से है जहां समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए विश्वकर्मा समाज एकजुट हो, सामाजिक रूप से बैठक करके सपा को जिताने का संकल्प करे, अपने घरों पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए, सपा कार्यकर्ताओं के साथ खुलकर वोट जिताने का कार्य करे। ये बातें मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने आज मऊ के हिंदी भवन सभागार में आयोजित विश्वकर्मा चौपाल में कहे। श्री विश्वकर्मा ने कहा, सबका साथ और सबका विकास की बात करने वाली भाजपा सरकार में आपकी हिस्सेदारी कहाँ है? भाजपा राज में विश्वकर्मा समाज का विधायक नहीं है, सपा सरकार में हमेशा विश्वकर्मा समाज का विधायक MLC भी रहा और समाज का मंत्री भी रहा। जब तक समाज के मंत्री और विधायक सरकार में नहीं होते तब तक उस समाज की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँचाई जा सकती। आज भाजपा सरकार में विश्वकर्मा समाज के उत्पीड़न अत्याचार की सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना जरूरी है। चौपाल और इसमें विश्वकर्मा समाज और सभी पिछड़ी जाति के लोग हमने अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ से बचें, लगातार झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और फिर 22 में वोट लेने की तैयारी कर रहे हैं। 2014 में झूठ बोला, 2017 में झूठ बोला, सरकार बनाई, 19 में झूठ बोलकर वोट लिया, 22 में सब लोग समाजवादी पार्टी को जिताएं, माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं, क्योंकि वही नौकरी रोजगार दे सकते हैं और वही विश्वकर्मा समाज पिछड़ी जातियों का विकास कर सकते हैं। विश्वकर्मा समाज को आप एकजुट कर रहे हैं, जात की राजनीति हो रही है, ठीक है? जात की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम अपने समाज को समझाने आए हैं कि BJP के गुमराह न हो। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जात के आधार पर कार्रवाई हो रही है,
जात के आधार पर तैनाती हो रही है अधिकारियों की, और जात के आधार पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जात के आधार पर पोस्टिंग हो रही है। तो जातिवादी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। अभी जनसंवाद रैली चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, लोग कह रहे हैं कि पांच साल में सरकार की कोरोना काल में लोग संतुष्ट है, लग रहा है तो संतुष्ट है। तो फिर माननीय अखिलेश यादव जी की रथ यात्रा में हजारों हजारों की भीड़ कैसे इकट्ठा हो रही है? वो तो लाई हुई भीड़ नहीं है, प्रधानमंत्री जी की मीटिंग हो, मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हो, उसमें अधिकारियों की ड्यूटी लगती है, सीडीओ की ड्यूटी लगती है, डीएम की ड्यूटी लगती है कि भीड़ लाने के लिए। लेकिन विपक्ष में माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, और वो जब जिलों में जनपदों में दौरे पर जाते हैं तो हजारों लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लड़ाई हुई नहीं है। तो जनता खुद बता रही है कि जनता बीजेपी से नाराज है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है, इसलिए उनकी सभाओं में भीड़ इकट्ठी हो रही है। और 2022 में यही उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी और समाजवादी पार्टी को जिता करके माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी।